जहानाबाद जिले के कांग्रेस कमेटी के नगर इकाई द्वारा देश में बढ़ते पेट्रोल और डीजल के दाम को लेकर सड़क पर थाली और ताली पीटकर देश के पीएम नरेंद्र मोदी के खिलाफ प्रदर्शन किया। इस मौके पर कांग्रेस के जिला अध्यक्ष हरि नारायण द्विवेदी ने कहा कि आज देश की जनता ठगा ठगा सा महसूस कर रही है और बढ़ती महंगाई को लेकर आम जनता की कमर टूट गई है, लेकिन सरकार चंद पूंजीपतियों के हाथ में चली गई है और उनके इशारे पर महंगाई बढ़ाने का काम कर रही है। दिनेश कुमार की रिपोर्ट। कमेटी के दिशा निर्देशानुसार पूरे भारतवर्ष में 7 जुलाई से 10 जुलाई तक प्रखंडों नगरों में हम लोग का विरोध प्रदर्शन है कांग्रेस पार्टी के द्वारा, और हम लोग आज नगर कांग्रेस कमेटी की ओर से हम लोग पूरे जिला कांग्रेस कमेटी हम लोग महंगाई का विरोध कर रहे हैं। पेट्रोल डीजल मूल्य वृद्धि वापस हुआ उसका विरोध कर रहे हैं। आज आम आदमी ठगा हुआ महसूस कर रहा है। आज नरेंद्र मोदी और उनके चंद उद्योगपतियों की सरकार चल रही है, वो लोग का हम लोग विरोध कर रहे हैं सड़क पर। कब हम लोग संसद में और भी हम लोग को जोरदार आंदोलन चलाएंगे। कहां तक प्रतिवाद? हम लोग अरवल मोड़ से प्रखंड कार्यालय तक, अरवल मोड़ से बाजार होते हुए प्रखंड कार्यालय तक हम लोग का मार्च है, रोड मार्च है, हम लोग वहीं कर रहे हैं। कहां तक जाइएगा? अभी प्रखंड कार्यालय तक जाएंगे। वहाँ पे आप लोग धरना है क्या है? नहीं, धरना भी तो है, वहाँ भी हम लोग विरोध करेंगे, विरोध प्रदर्शन वहाँ भी करेंगे, ब्लॉक में भी हम लोग को प्रदर्शन करना है, ब्लॉक में प्रदर्शन करके।